हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजिका। आज हम आपके लिए बालेवाड़ी से नए प्रीमियम प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको 2 BHK, 3 BHK, 4.5 BHK के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर हम 2 BHK की बात करें तो उसका कारपेट एरिया है 832 स्क्वायर फिट और उसकी प्राइसिंग है 1.04 CR ऑल इंक्लूसिव। 3 BHK इज 1109 और उसकी प्राइसिंग है 1.44 CR ऑल इंक्लूसिव। वहीं 4.5 BHK का कारपेट एरिया है 1669 स्क्वायर फिट और उसकी प्राइसिंग है 2.20 CR ऑल इंक्लूसिव और इसका पोजीशन है जून 2025 का। अभी यहां पर नया टावर लॉन्च हुआ है जहां पर आपको 3 BHK और 4 BHK में बड़े कारपेट साइजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम 3 BHK की बात करें तो उसका कारपेट एरिया है 1370 स्क्वायर फिट का और उसकी प्राइसिंग है 1.81 CR ऑनवर्ड्स। वहीं 4 BHK में आपको 1889 स्क्वायर फिट कारपेट एरिया का साइज देखने को मिलता है और उसकी प्राइसिंग है 2.55 CR ऑनवर्ड्स। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बालेवाड़ी को एज अ लोकेशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सैंपल फ्लैट का टूर। तो आइए अब देख लेते हैं 3 BHK के सैंपल फ्लैट को। इसका कारपेट एरिया है 1109 स्क्वायर फिट। हमारे जो 3 BHK और 4 BHK के बड़े कारपेट साइजेस के फ्लैट रहेंगे उनके डायमेंशन भी बड़े मिलने वाले हैं, बट लेआउट आपका सेम ही रहेगा। एंट्रेंस पर आपको दिया गया है वीडियो डोर फोन और हमें यहाँ पर डिजिटल लॉक भी दिया गया है जिसको हम 4 तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं, पासवर्ड, मैकेनिकल की, बायोमेट्रिक और कार्ड से। आ जाइए अपने लिविंग रूम को देखते हैं। अंदर आने के बाद में हमें मिलता है लिविंग कम डाइनिंग एरिया जो कि हमें एल शेप में मिलने वाला है। अगर हम लिविंग एरिया के साइज की बात करें तो उसका साइज है 16.6 by 11 feet का। यहाँ पर जो आपको फ्लोर टू सीलिंग की हाइट है वो भी 10 फीट की रहने वाली है और आपको यहाँ पर टच पैड के स्विचेस दिए जा रहे हैं जिसके साथ ही आपको होम ऑटोमेशन भी दिया जाएगा। अगर हम लिविंग रूम को एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक सी शेप का सोफा का अरेंजमेंट करके दिखाया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर एक बड़ा सा एल शेप सोफा भी लगा सकते हैं। सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन दिया गया है जहाँ पर आप एक बड़ा सा LED यूनिट भी लगा सकते हैं और बीच में आ जाता है आपका सेंटर टेबल। इसी से लगी हुई है हमारी बालकनी, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज अवर बालकनी। इसका साइज है 11 by 6 का और यह हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाली है जिससे हमको पूरी प्राइवेसी मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बड़ी बालकनी है हमारी और यहाँ पर आप आराम से सीटिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं या फिर अपनी मनपसंद एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। सिंस ये हाई राइज बिल्डिंग है तो यहाँ से आपको व्यू भी काफी अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही हमको यहाँ पर SS रेलिंग दिया गया है टफन ग्लास के साथ में। चलिए हम अपने आगे के एरिया को देखते हैं। लिविंग एरिया से आगे बढ़ते ही आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया जिसका साइज है 10.6 by 9.3 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 6 seater डाइनिंग टेबल का प्रोविजन करके दिया गया है, बट आप आराम से यहाँ पर 8 seater तक का डाइनिंग टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से लगा हुआ है हमारा किचन, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो किचन का साइज है 9.9 by 9 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको L शेप का प्लेटफॉर्म दिया गया है। इस तरफ आप आराम से एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर का प्रोविजन कर सकते हैं। इस तरफ आपको स्विचेस दिए गए हैं और योर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस एंड यहाँ पर आपका गैस स्टोव आ जाता है और ऊपर की तरफ आप चाहें तो चिमनी का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से लगा हुआ है हमारा सिंक जहाँ पर आपको 2 इस तरह के मूवेबल टैप दिए जाएंगे और यहाँ पर आप चाहें तो वाटर प्यूरीफायर का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इस तरफ आप चाहें तो एक अपना क्रॉकरी यूनिट या फिर मंदिर भी बना सकते हैं। चलिए अब हम अपनी यूटिलिटी एरिया को देख लेते हैं। सो दिस इज अवर यूटिलिटी एरिया जो कि हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाला है और इसकी ओपनिंग भी डक्ट में नहीं रहेगी, ये भी हमको पूरी तरीके से ओपन और एयरी मिलने वाला है। सामने की तरफ भी आपको एक सिंक दिया गया है फॉर योर डिश वॉशिंग। इससे हमारे किचन में किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं होता और साथ ही हाइजीन भी मेंटेन होता है। और इस तरफ आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविजन दिया गया है जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल स्विचेस और इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट दिए गए हैं। तो चलिए अब हम अपने आगे के एरिया को देखते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पर आपको पूरी वॉल मिलने वाली है और इसका एंट्रेंस आपको इस तरफ से मिलने वाला है। तो दिस इज अवर फर्स्ट बेडरूम जिसका साइज है 11.6 by 10 का। ऑल दो यहाँ पर आपको एक लेदर रूम का प्रोविजन करके दिखाया गया है, बट आप इसको आप एक प्रॉपर बेडरूम के जैसे भी यूज कर सकते हैं। आपका बेड इस तरफ आ जाता है एंड आप चाहें तो इस तरफ आपको अपना वार्डरोब का भी प्रोविजन कर सकते हैं।
आपको यहाँ पर काफी बड़े विंडो दिए गए हैं फॉर योर प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन। चलिए हम अपने आगे के एरिया को देखते हैं। सो दिस इज अवर कॉमन एरिया और मेरे लेफ्ट में आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम। चलिए उसको सबसे पहले देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में, उसी से लगा हुआ है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट। एंड इस तरफ आपको बेथिंग स्पेस दिया गया है जहाँ पर आपको एक टाइल ड्रॉप दिया गया है वेट एरिया को ध्यान में रखकर। एंड इस तरफ हमको बेथिंग का प्रोविजन करके दिया गया है। यहाँ पर मिलने वाले जो हमें सीपी एंड सैनिटरी वेयर है वो ग्रोहे और टोटो के रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं वॉल टाइल्स भी आपको यहाँ पर काफी प्रीमियम और बड़े दिए गए हैं एंड फ्लोर टाइल्स आपके एंटी स्किड रहेंगे। चलिए हम अपने मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट मास्टर बेडरूम जिसका साइज है 13x10.6 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेड लगाने के बाद में और कॉर्नर टेबल के बाद में आपको कितना स्पेस मिलता है टू रोम अराउंड। इस तरफ आप चाहें तो एक वार्डरोब का प्रोविजन कर सकते हैं एंड सामने की वॉल पर आप चाहें तो एक टीवी भी लगा सकते हैं। इसी से लगी हुई हमें मिलती है एक बालकनी, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। अवर सेकंड बालकनी और ये आपको ऊपर से कवर्ड ही मिलने वाली है, बट इस बालकनी से आपको पूरा 180 डिग्री का व्यू मिलने वाला है क्योंकि ये आपके बिल्डिंग का एक्सटेंशन रहने वाला है। चलिए अब हम अपने मास्टर वॉशरूम को देख लेते हैं। सो दिस इज अवर मास्टर वॉशरूम। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्रीमियम सा वॉश बेसिन दिया गया है विद ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म, उसी से लगा हुआ है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट और इस तरफ आ जाता है हमारा बेथिंग एरिया जहाँ पर आपको बेथिंग का प्रोविजन करके दिया गया है। आप देख सकते हैं वॉल टाइल्स आपको काफ़ी प्रीमियम दिए गए हैं यहाँ पर और फ्लोर टाइल्स भी आपको एंटी स्किड मिलने वाले हैं और ऊपर जो आप सीलिंग देख रहे हैं ये भी आपको इसी तरीके से फॉल सीलिंग का प्रोविजन करके दिया जाएगा। चलिए अब हम अपने मास्टर बेडरूम को एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज अवर सेकेंड मास्टर बेडरूम एंड विच इज क्वाइट मैसिव और इसका साइज है 14.6x10 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर किंग साइज बेड लगाने के बाद में और कॉर्नर टेबल के बाद में आपको कितना स्पेस मिलता है टू रोम अराउंड। इस तरफ आप चाहें तो एक वार्डरोब का भी प्रोविजन कर सकते हैं एंड इस तरफ आपको एक टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया गया है। इस तरफ आ जाती है हमारी बड़ी सी विंडो जहाँ से आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। इसी से लगा हुआ है हमारा मास्टर वॉशरूम, चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। दिस इज अवर मास्टर वॉशरूम जहाँ पर आपको वॉल माउंट वाटर क्लोजेट दिया गया है। इस तरफ हमारा विंडो आ जाता है फॉर प्रॉपर सनलाइट एंड वेंटिलेशन एंड इस तरफ आपको एक प्रीमियम वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में। एंड इस तरफ आ जाता है हमारा बेथिंग एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर मिलने वाले सारे सीपी और सैनिटरी वेयर ग्रोहे और टोटो के रहने वाले हैं। वॉल टाइल्स भी आपको यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम दिए गए हैं एंड फ्लोर टाइल्स आपको एंटी स्किड मिलने वाले हैं और आप जो ऊपर सीलिंग देख रहे हैं ये भी आपको इसी तरीके से करके दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 7 acre के लैंड पार्सल में 30 floors के माइवन टेक्नोलॉजी के साथ में 8 east-west facing टावर्स मिलने वाले हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 30+ डिजाइनर लाइफस्टाइल एमिनिटीज भी मिलने वाली हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।